आज के प्रातः क्लास है 6/11/68। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, बाप के सामने भी बैठे हैं और शिक्षक के सामने भी बैठे हैं, और ये भी जानते हैं कि ये बाबा गुरु के रूप में आए हुए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। बाप भी कहते हैं रूहानी बच्चों, मैं आया हूं यहां से तुमको ले जाने। क्योंकि ये पुरानी दुनिया बन गई है, और ये भी जानते हो कि ये पुरानी दुनिया छी छी दुनिया है, अभी तुम बच्चे स्वभाव संस्कार से छी छी बन गए। तो अपन को आप ही कहते हो हे पतित पावन बाबा, आ करके हम पतितों को उस दुख धाम से सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम यहां बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूं। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है कि हमने बुलाया है। अभी बाबा आए हुए हैं ड्रामा अनुसार कल पहली मिसल, वो दुनिया भी लोग तो प्लान बनाते हैं, तो ये भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सभी के अपने अपने प्लानिंग है, और बाप आकर के 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, 5-year plan। वो भी 5 ईयर के प्लान बनाते रहते हैं, वो बार बार बनाते हैं, कहते हैं इस 5-year plan में ये करेंगे वो करेंगे। अभी बातें देखो कैसी आकर के मिलती हैं। आगे ये प्लानिंग आदि नहीं करते थे, अभी बाप प्लानिंग करते हैं तो वो भी प्लानिंग करते हैं। कितने प्लानिंग बनाते रहते हैं तुम बच्चे तो जानते हो कि हमारे बाबा का भी प्लानिंग है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5-4 वर्ष पहले मैंने ये प्लान बनाया। तो मीठे मीठे बच्चे जो यहां बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अभी मैं आया हूं तुमको शिवालय में ले जाने के लिए। वो शांति धाम है निराकारी शिवालय, और सुखधाम है साकारी शिवालय। निराकारी शिवालय में तो शिव रहते हैं, पर साकारी शिवालय में शिव रहते हैं क्या? शिव तो नहीं रहते, लेकिन शिव
कोई तन में मुकर्रर रूप से आकर के उसे आप समान बनाकर जाते हैं। वो मुकर्रर रथधारी आत्मा ही इस सृष्टि पर सदा कायम है। पहले जाती है शिवालय में, तो इस समय बाप तुम बच्चों को शिवालय में जाने के लिए रिफ्रेश कर रहे हैं। बाप के सन्मुख बैठे हो ना, ये बुद्धि में निश्चय तो रहता है कि बाबा आया हुआ है। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है, ये भी जानते हो। हम आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं। उस कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के बाजू में ही तो बोलने वाला बोल रहा है। 68 की वाणी है ना, तो इस बाबा कहना चाहिए। उस बाबा इसलिए कहा कि ये है छोटा बाबा और वो है बड़ा बाबा। छोटा बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा, और जो भविष्य में पार्ट बजने वाला है उसकी तरफ इशारा किया, उस बाबा के बच्चे हैं। फिर पार्ट बजाने के लिए इस बाबा के बने हैं। तुम ब्राह्मण हो ना, अब बताओ कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिलते हैं? कोई कहा सतयुग से लेकर, हां सतयुग से लेकर सुख और दुख का पार्ट बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है। हमने सुख का पार्ट भी 21 जन्म बजाया, फिर आधा कल्प दुख का पार्ट बजाया। ये बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है, तो बाबा ही पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना? अभी फिर तुमको सुख का पार्ट बजाना है। आधा कल्प इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरत हो जाती है, फिर बाद में खाली भी हो जाती है, फिर बाप आकर भरतू करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी हुई है, ये विजय माला है ना, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र में फिरते रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर बाद में आते हैं स्वीट संगम पर। इस संगम को स्वीट कहेंगे ना, शांति धाम कोई स्वीट नहीं है। स्वीट तब कहें जब आत्मा साकार शरीर धारण करे, सभी से स्वीट है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी। ड्रामा में तुम्हारा ये अच्छे से अच्छा पार्ट है। कौन सा पार्ट?
तुम्हारा अर्थात किसका? तुम सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के सन्मुख रहते हो, तुम्हारा ये संगम युग का 84 के चक्र में अच्छे से अच्छा पार्ट है। सतयुग में भी तुम्हारा इतना अच्छा पार्ट नहीं होगा, तो तुम कितने लकी हो। तुम बेहद के बाप के बच्चे बनते हो। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक और तो सभी हद के बाप के बच्चे बनते हैं। वो सब हैं हद के बाप। तुम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हो। वो बेहद का बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन शादी नहीं पढ़ेंगे है? वो पूरे 84 जन्म की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो देखो तुम्हारी पढ़ाई कितनी ऊंच और कितनी सहज पढ़ाई है। तुम कितना धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, इंजीनियरिंग डॉक्टरी सीखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यहां तो मेहनत की बात ही नहीं, तुमको तो भरसा मिलता है। बच्चे बाप की कमाई पर बैठते हैं ना, तो तुम ये पढ़ाई पढ़ करके 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े, इस याद को ही अजप आजाप कहा जाता है। क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, और बाप भी कहते हैं मैं आया हुआ हूं, तो दोनों की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पांच विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर तुम बाप की याद से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये बात बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर में जाएंगे, बैठेंगे बाप के साथ। इस पढ़ाई से हमको ये लाइट मिलती है। ये बात देवी देवता धर्म के लिए ही गाई जाती है, रिलीजन इज माइट। और धर्मों में तो अधर्म घुसा हुआ है। कहेंगे वो धर्म पिताएं भी अधर्मी हैं। नंबर वार, यहां तो बाप 100% सुख शांति की स्थापना करते हैं, तो रिलीजन इज माइट तुम्हारे धर्म के लिए कहा जाता है। क्योंकि बाप ही सर्वशक्तिवान है, और धर्म पिताओं को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो बाबा से हमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। ऐसी ताकत मिलती है जो बादशाही हमसे कोई छीन नहीं सकता। इतनी ताकत मिलती है।
राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, उन राजाओं से कितना डरते हैं, एक एक राजा की कितनी प्रजा होती है, कितना उनको लश्कर आदि होता है, परंतु उनकी तो है अल्पकाल की ताकत। अभी तुम तो जानते हो कि हमको तो सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है, सारे विश्व पर राजी करने की ताकत है। अभी देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी देखो उनसे कितना अलग रहता है, और जब सन्मुख होंगे तो प्रजा का उनसे कितना लव हो जाएगा। याद की यात्रा से ये सब प्रकार की ताकत तुम अभी ले रहे हो। 6/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये बातें अभी तुम भूलो नहीं, याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाएंगे। तुम जानते हो सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता है, उनसे तुम सब बच्चों को शक्ति मिलती है। इस समय तो कोई में भी शक्ति नहीं है, सभी धर्म पिताएं तमो प्रधान बन गए। फिर उन धर्म पिताओं सहित सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी अपनी राजधानी में आकर के पार्ट बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुक तू कर फिर ऐसे ही नंबर वन शक्तिवान बनते। तो पहले नंबर की है तुम देवी देवताओं की शक्ति। कौन से देवी देवताओं की शक्ति? सतयुग के देवी देवताओं की शक्ति, उनकी तो उतरती कला की शक्ति है, तुम तो चढ़ती कला की शक्ति पाते हो। पूरे 83 जन ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे। नर से डायरेक्ट अब नारायण बनते हैं ना, तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान है। जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी ये नॉलेज है, चक्र का ज्ञान है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में तुम्हारा पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर वो पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर हो जाते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, आत्मा कितनी छोटी है, उनमें कितनी समझ रहती है, तभी तो बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सतयुग में जाकर के तुम ये सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको वहां ये नॉलेज होती ही नहीं है, वहां तो तुम सुख भोगते रहते हो, ये भी तुम समझते हो। अभी सतयुग में हम सो देवता सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बन रहे हैं,
ये ज्ञान भी बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसी को समझाने में भी खुशी होती है, जैसे कि तुम किसी को प्राण दान देते हो। कहते हैं काल सभी को आकर ले जाता है, वास्तव में काल आदि कोई होता नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चली जाती हूं, फिर दूसरा शरीर लेती हूं, मुझे कोई काल नहीं खाता है। आत्मा को काल खाता है क्या? हाँ, आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार करके दुख भोगती है, अंदर ही अंदर सजाएं खाती रहती है, इसलिए इनको कहा जाता है गर्भ जेल। ये ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते रहते हैं, अपना ही साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिलती है? तो साक्षात्कार तो करावेंगे ना। ये तुमने बेकायदे काम किया है, इनको इनको तुमने इतना दुख दिया है, तो वहां सभी साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर के पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर बताओ सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है। इस संगम युग परेशी आज की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिर आने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते भी है मीठे मीठे बच्चों स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तुम 84 का चक्र फिर आवेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो इस 84 के चक्र को भी याद करना है। ये ज्ञान किसने दिया है उनको भी याद करना पड़े। जानते हो बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाए रहे, बनाते तो हैं, फिर नए नए रोज आते हैं तो उनको भी रिफ्रेश करना होता है। तुमको तो सारा ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो हम यहां आए हैं पार्ट बजाने, 84 का चक्र लगाया, अभी फिर वापस जाना है। ऐसे ऐसे चक्र फिर आते रहो। बाप जानते हैं बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ऐसे तो चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तुमको फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी संपूर्ण सुदर्शन चक्रधारी की अवस्था हो जाएगी, तो तुमको ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ये शिक्षा सन्यासी तो नहीं दे सकते। वो 84 जन्म लेते ही नहीं, पूरा चक्कर काटते ही नहीं, स्वदर्शन चक्र को वो गुरु लोग जानते ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा स्नान करने। कितने स्नान करते रहते हैं, और बहुत स्नान करने कराने से उन गुरुओं की तो आमदनी हो जाती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं। अभी देखो उस यात्रा में और इस यात्रा में कितना फर्क है। ये यात्रा तो सब प्रकार की यात्राओं को छोड़ा देती है, और है भी कितनी सहज। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हमदम हरदम दूर रहे। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। अभी तो तुम कितने नजदीक आ गए हो,
भक्ति मार्ग में तो तुम दूर ही थे, इस बात की तुमको महसूसता भी आती है। वो लोग तो इस अर्थ को नहीं जानते हैं, तुम जानते हो कि हम भक्ति मार्ग में बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते लगाते कोई भी नजदीक नहीं आए, नजदीक आने के बदले और ही दूर होते गए। क्या मतलब हुआ? माना 63 जन्मों में से पहले द्वापर के आदि के जन्म में हम ज्यादा नजदीक थे, फिर कलयुग के अंतिम जन्म में और ज्यादा दूर हो गए। है साकार के नजदीक है, जो साकार है के नजदीक है। साक्षात्कार हाँ, शिव ज्योति बिंदु की बात नहीं है, शिव ज्योति बिंदु संगम युग में जिस मुकर रथ में आता है उसको आप समान निराकारी स्टेज में स्थित कराता है। वो आत्मा द्वापर के आदि में भक्तों के नजदीक थी और कलयुग के अंत में दूर होती जाती है। तो गीत बनाया हुआ है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अभी तुम जानते हो, बाप को भी ड्रामा के प्लान अनुसार आना पड़ता है। नजदीक से नजदीक आ जाते हैं, सभी को साथ ले जाएंगे। बाबा को तो आना ही पड़े। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, सहज सहज चलो तो अच्छा है, पवित्र तो बनना पड़ेगा। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, दुनिया वालों की बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनना है। ये तो जानते हो कि जब तक नया मकान तैयार न हो जाए तब तक पुराने में ही रहना पड़ता है। और बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने के लिए, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप का वर्षा हमारा वर्षा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी पाते हैं। और तुमको तो वर्षा मिलता ही है। 6/11/68 की वाणी का 3 पेज, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का कि वर्षा हमको कैसे मिलता है। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है क्योंकि तुम तो बाप को याद करके माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बेहद का बाप है। एक दो तीन चार गिनती करते हैं ना, वो तो ढेर के ढेर धर्म पिताएं हैं।
परंतु कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। एक ही बेहद का बाप है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं, तो बाप को याद करने से और सुदर्शन चक्र फिराने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इस बात को अच्छी रीति नोट कर लो। यही बात समझाना बस। क्या है पाप कैसे कटेंगे? सुदर्शन चक्र को याद करने से पाप कैसे कटेंगे? वो कोई शिव बाबा है, याद से पाप कटेंगे? हाँ तो कहा सुदर्शन चक्र से भी कटेंगे दोनों है? दोनों क्यों? दोनों से पाप कटेंगे। दोनों से क्यों? याद करने से भी और सुदर्शन चक्र को मारेंगे। याद तो जिसे करेंगे उसको कोई पाप लगता ही नहीं। 5000 वर्ष के चक्र में उसे कभी पाप छू भी नहीं सकता। पति दुनिया में आता है तो भी पाप नहीं लगता, पति तन में आता है तो भी पाप नहीं लगता, और पतितों के संग में आता है तो भी पाप नहीं लगता। तो उसका संग का रंग बुद्धि से संग करेंगे तो पाप जरूर कटेंगे। जैसा संग वैसा रंग। परंतु सुदर्शन चक्र को याद करने से कैसे पाप कटेंगे? हैं? सुदर्शन चक्र जब भी घूमते बाबा की याद अच्छी रहती है। हाँ, बाबा की याद भी तभी अच्छी रहती है जब हम ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वाले बच्चों को बाप याद करते हैं, तो हमारी याद में और बाप की याद में ज्यादा गहराई किसकी याद में होगी? बाप जिन बच्चों को याद करेंगे उनकी तो बहुत ऊंची याद हो जाएगी। तो ये तरीका है सुदर्शन चक्र माना मनन चिंतन मंथन करना ज्ञान की बातों का। ये बात अच्छी रीति नोट कर लो और यही सभी को समझाना बस है। आगे चल को तुमको जास्ती तक्तिक नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी याद का जौहर इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें जास्ती बोलने की दरकार पड़ेगी ही नहीं। एक इशारा ही बस है। बोलेंगे बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस 84 के चक्र को समझना है। गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी तो संगम युग है, तुम जानते हो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पास्ट हो गया है। तुमको अभी स्मृति आ गई है और कोई की मनुष्य की बुद्धि में नहीं है कि 4 युग पास हो गए, अभी संगम युग है। तुम्हारी बुद्धि में तो है, तुम हर एक युग को 1250 वर्ष देते हो। 1250 वर्ष सतयुग, उनकी निशानी ये लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण का राज्य शास्त्रों में सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में राम का राज्य दिखाते हैं। राम राज्य सुख का राज्य बताते हैं। तो राम लक्ष्मी नारायण के राज्य में फिर कितना न सुख होगा। राम तो 14 कला संपूर्ण,
नारायण तो 16 कला संपूर्ण, तो सुख की दुनिया की यादगार है ये राम और कृष्ण। सतयुग त्रेता में इनों का राज्य था, डायनेस्टी चलती है ना। ये सुख की दुनिया की डायनेस्टी है, सुख जल्दी बीतता है या दुख का टाइम जल्दी बीतता है? सुख का टाइम जल्दी बीत जाता है, जल्दी होता नहीं है लेकिन ऐसे लगता है। तो 2500 वर्ष है सुख की दुनिया, जहां कोई दिन की गिनती नहीं होती है, कोई तवारीख नहीं होती है। 2500 वर्ष है दुख की दुनिया, जहां मुसलमानों का ईसवी संवत चलता है, क्रिश्चियंस का ईसवी संवत अलग चलता है, विक्रम संवत चलता है, हूण संवत चलता है, शक संवत चलता है। ये दिन गिनने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? आधा कल्प सुख की दुनिया जब बीत जाती है लक्ष्मी नारायण के राज्य की, तब ये दुख का टाइम गिना जाता है। द्वापर से फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आते। तुम्हारी बुद्धि में तो मुख्य मुख्य सभी हैं, बाकी छोटे छोटे मठ पंथ आदि को तो कोई याद नहीं करना है। कल्प कोई लाखों वर्ष का है ही नहीं, ये तो कल की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात पुरुषों में उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं लक्ष्मी और नारायण। जब से प्रत्यक्ष होते हैं तब से पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है। तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने आए हो, ये तो तुमको याद है ना। और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं आती है। यहां तुम आते हो, बुद्धि में है हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए जाते। तो बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी जो तुम्हारा जीवन है उसे हीरे तुल्य बाप बनाते हैं, तो अपने हीरे तुल्य जीवन को देखो और बाप को देखो, ये भी तुम समझते हो। ऐसे तो इसमें देखने की कोई बात नहीं है, ये तो तुम बुद्धि द्वारा जानते हो, तुम्हारी दिव्य बुद्धि है। आत्मा पढ़ाती है इस शरीर के द्वारा, यह भी ज्ञान मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती, तो बाबा को भी पढ़ाना है। उनका नाम तो सदाशिव है, उनका नाम कभी बदलता नहीं है, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। औरों के तो शरीर के नाम होते हैं, वो तो शरीर धारण ही नहीं करते। औरों के शरीर के नाम बदलते रहते हैं, बाप कहते हैं ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये तो इनकी मिल्कियत है, ये शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है।
जिस शरीर से आत्मा पार्ट बजाती है, ये बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। कृष्ण को तो अपनी आत्मा है, उनके शरीर का नाम कृष्ण पड़ा है। और आत्माएं तो सभी हैं, सभी के शरीर का नाम अलग अलग होता है। ये तो फिर भी है परमात्मा सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच। मनुष्य तो बेचारे मुझे हुए हैं, ऊंच और नीच ये कर्मों के आधार पर कहा जाता है। मुझे हुए होने के कारण कृष्ण का नाम लगा दिया है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक ही है, ऐसे तो नहीं कि शिव भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान। नहीं, क्रिएटर बाप तो एक ही हो सकता है, बाकी सभी है रचना। एक सृष्टि है तो क्रिएटर भी एक है, ये भी जान गए हो। कैसे आत्माएं आती हैं, कैसे आती है, हैं? पहले आत्माएं आती हैं थोड़ी, और फिर बाद में आने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। पहले आती हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, फिर और धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं पिछाड़ी में लायक बनती हैं पहले आने के लिए। ये षष्ठ चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सभी दानों का चक्र फिरता है। सतयुग में भक्ति मार्ग का जरा भी अंश नहीं रहता है। बाप ने समझाया है भक्ति का अर्थ यह है दुर्गति मार्ग, अर्थात सीढ़ी उतरते जाना। ज्ञान मार्ग है सीढ़ी चढ़ना। मूल बात एक ही बाप समझाते हैं, हे आत्माओं माम एकम याद करो, तुमको जरूर घर लौटना है। विनाश सामने खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे याद करो, याद से ही पाप कटेंगे। और याद करने से तुम पापों की सजा खाने से छूट जावेंगे। नहीं याद करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, हाय हाय करते रहेंगे, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूं, थोड़े दिन का मेहमान हूं। सुप्रीम बाप परम पिता सारे विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बन के आया है। मैं आकर के सारे विश्व को चेंज करता हूं, पुराने विश्व को नया बना देता हूं। नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तो तुम इस समय चक्र फिर आते रहते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, बाप की बुद्धि में ज्ञान है जो तुम वर्णन करते हो, तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। और तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, क्या
वो तुम ही जानते हो, न वो दुनिया वाले जानते हैं, न वो कच्ची पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण जानते हैं। क्या कि बाबा आया हुए है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। जितना अच्छा पावन बनेंगे, याद से ही पावन बनेंगे, फिर उतना ऊंच पद पावेंगे। तो पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो भी तुम्हारे पास आते हैं उनको तुम 84 का चक्र समझाते हो, बताते हो याद, बाप को याद करने से पति से पावन बन जावेंगे। अभी तो सभी तमो प्रधान बने हैं, पहले सतो प्रधान थे तो कितने थोड़े थे, अभी तो दुनिया में ढेर के ढेर हो गए हैं। क्योंकि और दूसरे दूसरे धर्म भी आते गए हैं। 6/11/68 की वाणी का चौथा पेज। तो ये 84 का खेल सारा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, ये सारे चक्र का खेल उनके लिए बना है। तुम से ड्रामा में हीरो हीरोइन के समान ऑलराउंड पार्टधारी हो। कोई पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत 100% सॉल्वेंट था, हम ये भारत की सेवा करते हैं। हम खुद भी देवता बन रहे हैं, हम अपनी चलन सुधार रहे हैं और करेक्टर्स बनते ही हैं पवित्रता के ऊपर। इन्हों के आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके सामने भक्त लोग कहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं। वो तो जिनके आगे जाते हैं उन देवताओं को कहते रहते हैं। अक्सर करके लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाए ये महिमा गाते हैं, वो हैं ही सतयुग के मालिक। इनको ही कहते हैं आप ही तरस परोई। ये नहीं जानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण थे। रामचंद्र के आगे नहीं कहेंगे, बाप को ही कहते हैं रहम करो, आशीर्वाद करो। अभी अपने आप तुमको आशीर्वाद मिल रही है, बाप ऊपर से आकर के तुमको पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, और ये गुण और किसी मनुष्य में नहीं होते हैं। बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं ना, फिर गुरु बनकर साथ में भी ले जाते हैं। उनको कहा जाता है शिव की बारात। बुद्धि से समझते हो, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहां तो बहुत जीवात्माएं और बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत ही कम होंगे। तो सोचना चाहिए बाकी आत्माएं कहां गई। ये बात बाप बैठ बताते हैं। जीव अर्थात शरीर भस्म हो जाते हैं, बाकी आत्माएं सभी वापस चली जाती हैं। तुम्हारी आत्माएं सुखधाम में जाती हैं, बाकी सभी शांति धाम में चले जाते हैं। तुम जब सुखधाम में जाते हो तो जय जयकार हो जाती है। अभी तो देखो कितनी हाहाकार हो रही है। ये अंत में और भी हाहाकार होगा, नेचुरल कैलमिटीज भी होंगी,
फिर ये सारी दुनिया नहीं रहेगी, सारी दुनिया पर लक्ष्मीनारायण का राज्य होगा, सभी पवित्र बन जाएंगे। पतित पावन बाप आकर सारे विश्व को पावन बनाई देते हैं, आत्मा ही मेहनत करती है। बाप ही इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को मेहनत कराते हैं। बाप कहते हैं मैं अपना स्वीट होम छोड़कर तुम्हारे बुलावे पर मेहमान बनकर आता हूं। कितनी इनकी इज्जत रखनी चाहिए, ये क्या बात हुई है? कहता कौन है? स्वीट होम छोड़ने की बात कौन कहता है? बाप कहते हैं मैं अपना स्वीट होम छोड़ करके तुम्हारे बुलावे पर मेहमान बन करके आता हूं। तो कितनी इनकी इज्जत रखनी चाहिए, इनकी माने किनकी है? शिवबाप की, शिवबाप ही कहने वाला और वो ही कहेगा इनकी है। शिव बाबा ही तो कह रहा है, कहने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है? शिव बाबा। तो इनकी कौन, जिनमें प्रवेश करते हैं उनकी कितनी इज्जत रखनी चाहिए, कितना बड़ा मेहमान है। परंतु आधा कल्प से रावण के डसे हुए हैं तो इस बात को समझते ही नहीं है, पहचान ही नहीं होती है कि ऐसे मेहमान से कैसे रिगार्ड से बातचीत करनी चाहिए। परंतु स्मृति जब आवे तब ना, 50-60 वर्ष बाप रहते हैं परंतु फिर भी स्मृति नहीं आती है। कौन से हुए 50-60 वर्ष है? संगम ही, संगम तो 100 साल का है। 50-60 साल कहां से कहां तक गिनेंगे? 76 से लेकर है, हाँ 36 तक। बाहर वाले तो बहुत ही सिक्व प्रेम से आते हैं, बहुत ही प्रेम के आंसू बहाते रहते हैं, बाबा आप तो हमारे दुख दूर करने वाले हो, कहते हमने बहुत ही दुख देखे हैं। तो बहुत दूर दूर से आते हैं, प्रेम से मिलते हैं, और वो प्रेम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हरेक का अपना अपना होता है। कोई में तो बाप के लिए पाई पैसे का भी प्रेम नहीं है, एकदम निल, जैसे आटे में लून जाकर के रहता है। तो बाप कहते हैं राजा और रंक कहा जाता है ना, वह सुख के राव और रंक, वो तो फिर भी नई दुनिया है। ऊंचते ऊंचे राजा रानी और प्रजा वहां तो होते ही है ना, अभी तो पंचायती राज्य है, चुन चुन करके फिर उनको गद्दी देते हैं और फिर उनको पत्थर मारने में भी देरी नहीं करते। वहां नई दुनिया में तो कोई भी ऐसी गंदी चलन का नाम निशान नहीं। तो तुम बच्चों को ये सारी स्मृति रखनी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान है
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे चक्र फिरता है। अभी फिर हम वापस जाते हैं, बाप आए ही है हमको वापस ले जाने के लिए। तो बाबा को याद करने से कितना सुख मिल जाता है। ऐसे बाप को याद तो करेंगे ना, और तो कोई मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, जानते हो हमको ये प्रिंस बनना है कृष्णपुरी का। जानते हो कृष्णपुरी का किशनपुरी से कनेक्शन है, लेन देन का हिसाब किताब भी उनसे है। ये सभी बातें ध्यान में रख करके कितना खुश होना चाहिए। सदैव तृप्तात्मा बन करके रहना है। सतयुग में तुम तृप्त आत्मा बनकर रहते हो, यहां तो देखो कितनी भूख हो गई है, तृप्त होते ही नहीं है। अभी तुम बच्चों के अंदर तो खुशी का नगाड़ा बनना चाहिए, बजना चाहिए। यहां बाबा कुछ भी छोड़ने के लिए तो नहीं कहते, कहते हैं भल नौकरी करो, जो चाहे सो करो, कैप्टन बनो, मार्शल बनो, बल गोली चलाओ। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं धंधा धोरी न करो, नौकरी न करो, गोली न चलाओ। कोई कहते हैं ये हिंसा है, बाप कहते हैं नहीं, अगर तुम ये हिंसा नहीं करोगे तो ये मुसलमान लोग सारे भारत को ही खलास कर देंगे। गीता में भी है, युद्ध के मैदान में जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु बेचारे जानते नहीं हैं कि असली युद्ध का मैदान कौन सा है। ये बेहद का युद्ध का मैदान है, तुम्हारी युद्ध है माया के साथ, मायावियों के साथ। इस संगम पर ही पांच विकारों से युद्ध की बात है, बाकी कोई हिंसा का युद्ध नहीं है। तुम शिव बाबा को याद करो, और याद करते करते गोली छोड़ो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।